यूँ तो अनुपमा की कहानी में एक ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलता ही है। तो अब आपको बता दें कि वनराज और काव्या अलग होने वाले हैं और दोनों का रिश्ता टूटने वाला है। जहाँ अनुपमा एक तरफ कई परेशानियों का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ वनराज भी कई परेशानियों का सामना कर रहा है। और वनराज काव्या को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और कहेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ना ही कोई काव्या चाहिए और ना ही कोई अनुपमा, ना वो अपने बच्चों के साथ खुश रहेगा। लेकिन अनुपमा घर छोड़कर जाएगी, ये फैसला वनराज को तोड़ कर रख देगा, क्योंकि वनराज को इस बारे में पता ही नहीं होगा कि घर पर चल क्या रहा है। जैसे ही वो घर पर पहुंचेगा तो वो देखेगा। वहीं आपको ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा कि अनुपमा मना करेगी और कहेगी कि अब मेरा ये ससुराल है और मैं इसी घर में रहूँगी। जहाँ उसकी माँ ढेर सारा जिद करने वाली है और कहने वाली है कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। अब अनुपमा क्या करने वाली है और किस रिश्ते को चुनेगी और किसका हाथ थामेगी? क्या उस माँ का जिसने उसे जन्म दिया, या फिर उस माँ का जिसने आगे की ज़िंदगी जीना सिखाया? बाकी की तमाम अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।